गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस मानसून ना कब का स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और इस बारिश में मैं बाहर जाना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कहाँ भी जाना हो, ऑफिस में जाना हो, कॉलेज में जाना हो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। घर से बाहर जाना है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि ये ही टाइम है इस वीडियो का कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आपके लिए ऐसे लाइफ सेविंग हैक्स मैं टॉप 10 हैक्स लेके आई हूँ, जिससे ना आप ये जो मानसून है ना बहुत एंजॉय कर सकोगे। आपको ये मानसून ना इतना अच्छा लगेगा कि आपको बाहर जाना भी पसंद आने लगेगा। उसके साथ साथ ना इसे इतना अच्छे से एंजॉय करना चाहिए ना, क्योंकि ना ये वाला ऐसा सीजन होता है जिसमें ना बहुत ज़्यादा सभी तरफ देखो ना तो हरियाली हरियाली दिखाई देती है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना वो हरे भरे दिखते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद है मानसून का सीज़न। तो अगर आपको मानसून का सीज़न पसंद है तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो हैक्स हैं ना वो वाले। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपको ये वाला मेकअप लुक अच्छा लगा हो ना, तो ये भी मैंने मानसून के लिए मेकअप लुक क्रिएट किया है, जिसमें आप ना मैंने मेरे कुछ मेकअप हैक्स बताए हुए हैं जो आप क्रिएट करके, मतलब जो आप ट्राई करके अपना ये जो लुक है ना वो क्रिएट कर सकते हो, अगर आप कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस में जा रहे हो। तो इसीलिए तो अब मुड़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो हैक है वो है ऑलवेज यूज मैट लिपस्टिक। बिकॉज गाइज अगर आप बाहर जा रहे हो ना तो आपकी जो लिपस्टिक होती है ना वो बह जा सकती है या फिर ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। तो आपको ना इस सीज़न में ऑलवेज मैट जो लिपस्टिक होती है ना वो ट्राई करनी चाहिए, या फिर आप जो लिप या चिक टिंट आते हैं ना वो ट्राई कर सकते हैं। आज मैंने यहाँ पे जो वेयर किया हुआ है ना वो है लिप चिक टिंट जो है टैंक का। तो मैं इसे यूज़ करना बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे लिप चिक टिंट बहुत अच्छे लगते हैं मानसून के सीज़न में, या फिर मैं कोई भी एक मैट लिपस्टिक जो होती है ना वो यूज़ करना पसंद करती हूँ। तो आप ना ऑलवेज कोई भी लिप चिक टिंट या फिर मैट जो लिपस्टिक होती है वो यूज़ कर सकते हो। इस सीज़न में ना गाइस बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है, बिकॉज ना ये सीज़न ऐसा होता है ना जिससे हमारे स्कैल्प बहुत इंचीनेस होते हैं। तो हमारा जो भी ओटर होता है ना वो हमारे बालों पे रह जाता है, वो अच्छे से सूख नहीं पाते हमारे बाल। इस वजह से ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेयर की प्रॉब्लम होती है, हेयर हमारे फॉल होना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर डैंड्रफ होता है बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा डैंड्रफ होता है। तो हाल ही में क्या हुआ था, मेरे ना बहुत ज़्यादा सर ना बहुत इचिनेस हो रही थी मेरे सर में। तो मैंने क्या किया, मैंने ना एक मिरर थी मेरे पास तो उससे अच्छे से आकर देख लिया, तो पता चला कि डैंड्रफ हुआ है। तो इसके लिए मैंने होम रेमेडी ट्राई की है। तो अगर आपके पास कोई भी डैंड्रफ फ्री शैम्पू नहीं है या फिर आपको अच्छे से एक ही बार जाना चाहिए, तो मैंने ऐसी होम रेमेडी ट्राई की ना जिससे मेरा एक ही बार में जो पूरा डैंड्रफ था ना वो ख़त्म हो चुका था और इचिनेस थी ना वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, अच्छे से आपके बालों को ना मैनेज कर सकते हो। तो डैंड्रफ को ना ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो उसका हेयर फॉल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, गंजे भी हो सकते हैं। रेनी सीजन में भी हमें सनस्क्रीन यूज़ करना मस्ट होता है, बिकॉज ना हमें लगता है बादल है, हमें तो अभी कोई भी जो भी सन होगा ना, जो यूवी रेज होते हैं सन के, वो हमें डैमेज नहीं करेंगे हमारे स्किन को। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बादल है फिर भी रोशनी आ रही है ना आपके तक। तो अगर दिन हो रहा है इसका मतलब सूरज है, तो रोशनी है तो सूरज है, तो सूरज के ऊपर जो यूवी रेज होते हैं ना वो आपकी स्किन तक आ रहे हैं। तो आपको गाइस सनस्क्रीन लगाना ही पड़ता है, नहीं तो ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। तो कोई भी सीज़न हो आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना चाहिए। मैं सभी जो भी सनस्क्रीन का है वो सनस्क्रीन होती है ना वो मैं हर वक्त बताती हूँ, तो आप ना सनस्क्रीन बिल्कुल नहीं भूलिए। बारिश के सीज़न में आपको कोई भी शूज़ वगैरह नहीं पहनने, उससे क्या होता है हमारे जो भी पाँव होते हैं ना उन्हें इचनेस महसूस होता है, या फिर ना पाँव में ना बहुत ज़्यादा गंदी सी स्मेल आनी स्टार्ट होती है। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज ऐसे फुटवेयर आपको वेयर करने हैं जो ओपन होने चाहिए, जो पीछे से आगे से थोड़े बहुत ओपन हो, जो पूरे ऐसे पैक ना हो। अगर आपको पैक हो देना तो आपका जो भी फूड होगा उससे स्मेल आएगी और वो अच्छी भी नहीं लगती है, दूसरों को भी आती है तो वो अच्छी नहीं दिखती है। तो आप ऑलवेज ऐसे फुटवेयर पहनो जो ऑलवेज ओपन हो, तो उससे ना आपके जो भी पैर होंगे ना वो सूखेंगे भी अच्छे से, नहीं तो वो गीले रहते हैं, उससे आपको सर्दी जुकाम हो भी सकता है। अपने साथ ना हमेशा एक अम्ब्रेला रखो अपने कैरी बैग में, या फिर आपकी पर्स जो होती है ना उसमें छोटी सी अम्ब्रेला मिलती है, फोल्डिंग वाली भी मिलती है, तो वो भी आप रख सकते हो। तो उससे इसलिए रखो क्योंकि ना कभी भी बारिश हो सकती है, हमें लगता है कि अरे अभी तो बादल नहीं है हम ऐसे जाके तो आ जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आप बाहर पड़ते हो और कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो इस ऐसा भी मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मैं वहाँ पर रुक जाती हूँ या फिर कभी कभी तो भीग के भी घर पर आ जाती थी। तो आपको यही नहीं करना है, आपको ऑलवेज आपके साथ
अम्ब्रेला जो है ना वो कैरी करनी है, तो उससे क्या क्या होगा आपको ना, सर्दी जुकाम जो है या फिर जो भी इन्फेक्शन होती है ना वो नहीं होगी, क्योंकि अभी तो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको इससे बचना है, आपको गीले होने से बचना है, आपको सर्दी जुकाम से भी बचना है, तो इससे बच के रहने के लिए आपको अम्ब्रेला तो कैरी करनी ही होगी। मानसून के सीजन में ना बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, मतलब आप गीले कपड़े पहनोगे या फिर अपने कपड़े सूखे नहीं होंगे ना तो आप वो वाले पहनोगे, या फिर आप बाहर से आ रहे हो और ऐसे ही रह रहे हो, वो थोड़ा बहुत भी कपड़ा गीला हो चुका है या फिर थोड़े बहुत भी आपके पैर गीले हो चुके हैं, तो पहले आप उसे जाके वॉश कीजिए, उसके बाद आप एक अच्छे से जो भी सूखे कपड़े होते हैं वो आप वेयर कीजिए, उससे क्या होगा आपका इन्फेक्शन से बच सकते हैं। लेकिन नहीं तो आपको गजकर, नाइटा या फिर बहुत ज़्यादा जो भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं वो हो सकते हैं। अगर आप स्किन इन्फेक्शन नहीं चाहते हो या फिर वैसे भी मतलब आप बहुत कर ही रहे हो अपनी केयर, लेकिन आपको फिर भी आपको इन्फेक्शन नहीं हो, वैसे लग ही रहा है, या फिर आप केयर कर नहीं रहे हो, कर भी रहे हो तो भी आपको इन्फेक्शन हो ही जाता है, कभी ना कभी इचनेस तो होती ही है। तो मैं आपको एक होम रेमेडीज बताती हूँ मैं क्या करती हूँ। जो भी नीम का पत्ते होते हैं वो मैं घर पर लाती हूँ, मिलते हैं कुछ 10 रुपये, मैंने बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर, तो मैं घर पर वो लाती हूँ, उन्हें ना रात भर भिगो देती हूँ अच्छे से ना, उन्हें मैं उबालती हूँ, जो भी गर्म वाटर होता है ना उसमें मैं उसे उबालती हूँ अच्छे से, और उन्हें ना वैसे रखती हूँ सुबह तक, और सुबह उसी पानी से मैं अपना जो बाथ होता है ना वो ले लेती हूँ, उसमें कोई और ज़्यादा पानी मैं ऐड नहीं करती हूँ, उसी पानी से उतना ही पानी से मैं कर लेती हूँ। ऐसे में ना वीक को 3 बार या 2 बार करती हूँ, तो आप किसी भी दिन कर सकते हो। मैं ज़्यादातर संडे या फिर मेरा कोई एक दिन ऐसा मेंशन किया हुआ है तो उसमें मैं कर लेती हूँ, मुझे जब लगता है आज मुझे टाइम है तो मैं उस टाइम कर लेती हूँ। आपको ऐसे करने से ना नीम के जो पत्ते होते हैं ना वो एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं, और जो भी आपके एंटी बैक्टीरियाज होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, तो वो आपको ना आपके पूरे ओवरऑल जो भी इन्फेक्शन होता है ना उन्हें ठीक करने में या फिर हुआ नहीं होगा तो उसे रोकने में भी आपको हेल्प करेंगे। आपको ना इस सीज़न में ऑलवेज ढीले कपड़े वेयर करने चाहिए, कोई भी आपको जो भी स्किन फिट वाले कपड़े होते हैं वो आपको वेयर नहीं करने चाहिए। अगर उस टाइम पे आप ढीले होते हो और वो स्किन फिट वाले कपड़े जो होते हैं ना वो आपको स्किन को और ज़्यादा फिट हो जाते हैं और उससे आपको इन्फेक्शन बढ़ सकता है, जो भी स्किन के इन्फेक्शन होते हैं ना वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो आपको ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। या फिर आप कह सकते हो जो जीन्स वेयर करते हैं ना वो आपको अवॉइड करना चाहिए, वो ना बहुत ज़्यादा मोटी होती है, मोटा कपड़ा होता है उनका, तो उससे ना वो भीग जाते हैं ना, तो उससे वो ना सूखती भी नहीं है अच्छे से, मुझे तो लगता है ना 2 दिन लगते हैं मुझे यहाँ पे सुखाने में उसे, तो ना वो ना आपको अवॉइड करना चाहिए। इस सीजन में जीन्स तो आपको अवॉइड करना ही चाहिए, मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है वो जीन्स बिना कुछ पहनती भी नहीं है, ऐसे नहीं है गाइस, बहुत सारे आउटफिट है यहाँ पे वो आप पहन लीजिए, जीन्स थोड़ी देर अवॉइड कर लीजिए, वो ना ऐसी गिरी रहती है और आप उसे डालोगे उसे पहनोगे तो आपको स्किन इन्फेक्शन होना ही था ही, तो मतलब होना ही है ही। तो उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे तो उसका क्या है गाइस, तो आप पहले ही इसे ध्यान रखो कि आप स्किन फिट वाले हो वो आप अवॉइड ही करो। स्किन केयर के ज़्यादातर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि आप फिर हैक्स के ज़्यादातर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ कि आपको ना पानी पीना चाहिए, तो यहाँ पर मैं वही पॉइंट आज लेके आई हूँ कि आपको 7 to 8 ग्लास जो होते हैं ना वो पानी पीना चाहिए। मेरे पास ना यहाँ पे पानी रहता ही रहता है, अभी तो मेरे पास यहाँ पे जूस है तो मेरे पास ना बहुत ज़्यादा रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ मेरे पास रहता है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ ना अभी शूटिंग करने बैठी हूँ तो कुछ ना कुछ है मेरे पास, जिससे मुझे लगता है कि नहीं अभी मुझे पीना चाहिए, अभी मुझे ना चाहिए कुछ, तो मैं इसे पीती रहती हूँ। भले आपके पास जूस हो मतलब कोई भी, मैंने इसमें टैबलेट डाली है जो एनर्जी टैबलेट होती है ना वो मैंने डाली है और मैं उसे कंज्यूम करती रहती हूँ, सो वो भी मुझे अच्छी लगती है। तो आप 7 to 8 ग्लास ना आपको पानी पीना चाहिए, उतना आपके जो भी बॉडी होती है ना ओवर वो बॉडी को आपको मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है उस पानी का इम्पोर्टेंट जो है ना वो बॉडी का पता है, तो आपको ना 7 to 8 ग्लास पानी पीना ही चाहिए। बहुत सारी लड़कियां मैंने ऐसी देखी है या बहुत सारे लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जिन्हें ना लाइट वेट कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है, मुझे भी लाइट वेट कपड़े पहनना बहुत पसंद है। उसके साथ साथ ना आपको जो लड़के होते हैं या फिर लड़कियां होती हैं उन्हें लाइट कलर के भी कपड़े पहनना बहुत पसंद होता है, मुझे भी बहुत पसंद है, ज़्यादातर लोगों को पसंद होता है। लेकिन इस सीजन में भले ही आपको पसंद हो तो भी आप लाइट कलर के कपड़े बिल्कुल भी मत पहने, या अगर उसका जो भी कपड़ा है ना वो थोड़ा सा मोटा है तो चलता है, लेकिन जो कपड़ा होता है वो अगर शियर हो या फिर वो ट्रांसपेरेंट हो या फिर फेंट कलर का जो कपड़े होते हैं ना वो बिल्कुल भी मत पहनिए, उसे अवॉइड कीजिए। इस टाइम पे आपको क्या पहनना है, तो इस टाइम पे आपको डार्क कलर के कपड़े पहनना है या फिर आपको प्रिंटेड जो कपड़े हैं ना वो पहनना है, क्योंकि अगर भी आप भीग भी जाओ बारिश के मौसम में आप बाहर ज़्यादा भीग तो जाओगे ही आप,
तो उस टाइम पे आपको जो भी प्रिंटेड पहनोगे या फिर बड़ा वाला कपड़ा पहने मोटा वाला कपड़ा पहनोगे आप या फिर आपका जो भी डार्क कलर का कपड़े पहनोगे ना, तो जो आपकी इनरवेयर होती है वो विजिबल नहीं होती है। अगर आपकी इनरवेयर विजिबल होगी गाइस तो कैसा दिखेगा पब्लिक प्लेस में, आपको कैसा दिखेगा, तो वो विजिबल नहीं होती। अगर आपको विजिबल की करनी है तो मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन गाइस अगर आपको विजिबल नहीं करनी है या फिर अगर आप बहुत संस्कारी हो तो मैं आपके लिए बताती हूँ कि अगर आपको ना उस टाइम पे ना बहुत ना वो ऐसे एक ऑकवर्ड मोमेंट आ जाती है, हम कैसे पहने कैसे रहे, हम बाल वगैरह आगे वगैरह लेते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, वो इनरवेयर हमें विजिबल नहीं होना तो उसे हमें डार्क कलर के कपड़े पहनना है और जिसमें ना फ्लावर्स हो बहुत ज़्यादा प्रिंट हो वैसे वाले कपड़े पहनना है, तो आपका जो भी इनरवेयर है या फिर आपका ओवरऑल लुक है ना वो भीगे भी तो भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिख सकते हो। लास्ट जो मेरी टिप है वो है हेयर वॉश को लेकर, बिकॉज ना बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो ना हेयर वॉश करके आते हैं और उन ना हेयर को ना अच्छे से गीला ही वैसे ही रखते हैं, अच्छे से उन्हें ड्राई नहीं करते हैं, मुझे ना वो बिल्कुल भी बहुत पसंद नहीं है, या फिर आपके बालों को भी बहुत पसंद नहीं होता है। अगर आप वैसे ही रखोगे ना तो आपको इचीनेस होगी, स्कैल्प में भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको ना या फिर आपको सर्दी जुकाम तो हो ही जाएगा गाइस, वो तो बताने की वाली बात ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज उसे ना अच्छे से उसे ड्राई करना है, तो उसे ड्राई करने के लिए आपको ना ऑलवेज जो भी कॉटन का कपड़ा होता है ना वो यूज़ करना है। बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी है जो सिल्क का कपड़ा यूज़ करती है, उसे कोई भी पानी ऑब्जर्व जो होता है ना वो नहीं होता है, सिल्क बस आपका सिल्क ना गीला हो सकता है, पानी ऑब्जर्व नहीं करता है, पानी ऑब्जर्व वही करता है जो कॉटन का कपड़ा होता है। तो आप ऑलवेज कॉटन का कपड़ा यूज़ कीजिए, उससे आपके बालों को ड्राई कीजिए, उससे क्या होगा जो सर्दी जुकाम होते हैं ना वो नहीं होगा। तो सर्दी जुकाम के लिए बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा होता है, बारिश के मौसम आ गए ना तो सर्दी जुकाम तो मुझे पकड़ ही लेता है, तो इस तरह से आपके है ना, तो आप ना ऑलवेज बाल धोते हैं ना, मैं पर्सनली हूँ तो मैं बाल धोने को बहुत ज़्यादा डरती हूँ क्योंकि मुझे सर्दी हो जाएगी जुकाम हो जाएगा, इसीलिए तो ऑलवेज धो जब आप टाइम धोते हो बाल तो उस टाइम पे आपको कॉटन का कपड़ा होता है उसे रैप करना होता है अच्छे से, आपको उससे आपके जो बाल होते हैं उन्हें ड्राई करके आपको उसे रैप भी कर आप रख सकते हो, तो मैं इस तरह से रखती हूँ तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो गाइज ओवरऑल ये थे मेरे कुछ हैक्स जो मानसून के सीजन में टॉप 10 टिप्स थे आपके लिए, तो अगर आपको ये कैसे लगेगा वो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। और हाँ गाइज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। और गाइज हमारे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।